दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में पैन कार्ड को सिंगल आइडेंटिफायर के तौर पर अपनाने का प्रस्ताव रखा है। पैन का इस्तेमाल नामित सरकारी संस्थाओं की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता के रूप में हो सकेगा। चलिए जानते हैं पैन के बारे में कुछ बेसिक बातें। पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर है, जिसे हिंदी में स्थायी खाता संख्या कहा जाता है। ये 10 अंकों का एक यूनिक यानी अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। पैन कार्ड किसी भी बैंक में खाता खोलने, राशि निकालने या जमा करने या किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए एक अति महत्वपूर्ण आईडी कार्ड है। ये विशिष्ट राष्ट्रीय और स्थायी होता है और शहर या राज्य के बदलने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह एक लेमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, जिसे आम तौर पर पैन कार्ड कहा जाता है। पैन कार्ड का उद्देश्य सभी वित्तीय लेनदेन को एक केंद्रीकृत डेटाबेस प्रदान करना है। पैन की एक नई श्रृंखला के आवंटन और उपयोग के लिए कानूनी अधिकार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A से लिया गया है। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने का तरीका आयकर नियम 1962 की धारा 114 में निर्धारित किया गया है। यह व्यक्ति को एक पहचानकर्ता के रूप में विभाग के सभी लेनदेन को विभाग से जोड़ने में सक्षम बनाता है। इस लेनदेन में कर भुगतान, TDS या TCS क्रेडिट, आय का रिटर्न, नियत प्रभार आदि शामिल है। इसे विभिन्न दस्तावेजों से जोड़ने के लिए जारी किया गया था, जिसमें शामिल है करों का भुगतान, करों का मूल्यांकन, कर की मांग और कर बकाया आदि। इसे 1 जुलाई 2017 से आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड हो सकता है। चलिए समझते हैं कि पैन कार्ड के उपयोग क्या हैं। पैन कार्ड के द्वारा आयकर विभाग प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा जो भी पैसों का लेन देन होता है उस पर नजर रखता है। इस कार्ड के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए, दूसरा है वाहन खरीदने या बेचने के लिए, तीसरा है 50,000 से अधिक की राशि के लेन देन के लिए, चौथा है बैंक में नया खाता खोलने के लिए, पांचवा है 50,000 से अधिक की राशि के शेयर्स लेन देन के लिए और छठा है टेलीफोन के नए कनेक्शन आदि के लिए। चलिए अब आखिर में बात करते हैं पैन कार्ड के महत्व की। पैन कार्ड सरकार को वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने और कर चोरी को रोकने में मदद करता है। ये कार्ड भारत में सभी करदाताओं के लिए आवश्यक है। ये भारत में व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। इसका उल्लेख 1 जनवरी 2005 से आयकर विभाग को दे किसी भी भुगतान चालान पर अनिवार्य किया गया है, जिसमें शामिल है दुपहिया वाहन और मोटर वाहनों की बिक्री या खरीद, बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक के साथ खाता खोलना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करना आदि। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, पैन कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये 10 अंकों का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। कथन दो है, इसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।